पश्चिम बंगाल जिला अलीपुरद्वार ब्लॉक कालचीनी में मधु चाय बागान में विगत 4 साल से कम्युनिटी स्कूल चलाई जा रही है। स्कूल में मुख्य रूप से मातृभाषा पर ध्यान देकर आदिवासी समुदाय सादरी एवं कुडुक भाषा में स्कूल में 52 बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। क्या हुआ तो क्या है, ये डोमेस्टिक एनिमल की वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है ना। देखो इसका कितना है पैर है, लेग कितना है इसका, 4 पैर है ना। फिर उसका पूंछ कितना है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं 3 साल से लेके 2.5 साल से लेके जो 5 साल के जो बच्चे हैं, उनको हम लोग पढ़ाने का जो तरीका है वो विभिन्न तरह के एक्टिविटी के माध्यम से कराते हैं, जिसमें कुछ पत्थरों को या फिर लकड़ी हो, इस तरह का जो स्ट्रक्चर वगैरह सब होता है, इसे स्ट्रक्चर दिखा के हम लोग विजुअली उसको कराने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके उनको किताब देते हैं। यानी किताब देने से पहले ही वो लोग अक्षर का ज्ञान जो है उनको दिमाग में सेट हो जाता है। दिखाओ लकड़ी का समुच्चय, लकड़ी का समुच्चय है, ये पत्थर का समुच्चय है, बोलो 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 बोलो। हाँ, और पत्थर का, हाँ पत्थर का समुच्चय, और फूलों का समुच्चय, फूलों का समुच्चय, हाँ, और ये लकड़ियों का समुच्चय। और दिखाओ बोलो, क्या कहे, पत्थर का समुच्चय बोलो, जोर से बोलो, और इस टावर को, इस टावर को इसको नहीं बनाया। अब ये सारा चीज को किसने बनाया है, घर को किसने बनाया है, कि हमें बगान का मला है कि होल भी हमें छुआ के वहाँ टाइम से पुगाए के आए के फिर काम जाए सकीला, काम से आए के वहाँ से लर्निंग भी सकीला। कहले कि यहाँ ये कम्युनिटी स्कूल में हमारा छुआ मन का लगन बहुत ही सेफ भी है। कहले कि हमें माए बाप इसने छोड़ के चल जेल होले उमन इन्हें उन्हें खेले में भुलाए जाए मन के गाइड कर कला नहीं हो सकीला हमें माए बाप। आ लेकिन जब हमें वहाँ स्कूल में भेज तो एगो मन के गाइड मिलेला, टीचर मन का संगे मन के अच्छा शिक्षा भी मिलेला। ऐसे यहाँ तो बांग्ला भाषा का वाला स्कूल है तो दीदी मुनी मन का बात को मन समझ भी नहीं सके ना। कहे कि घर तो हम सादवी से या बहुत कई घर हिंदी से बेतिया नहीं माए बाप उमन, तो कहे कि आदिवासी नहीं अपन लैंग्वेज से ले छुआ मन भी उमन से झटकुन समझ जाए ना और अथी सीखे ना। आदिवासी समुदाय परंपरा और प्राकृतिक संबंध, पर्यावरण शिक्षा और सफाई पर विशेष पाठ होती है। नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स का परिचय के साथ साथ गार्जियन का भी मातृभाषा में काउंसलिंग समुदाय स्कूल का एक अंग है। क्योंकि हम लोग यहाँ ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे कल्चर है जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो ये कल्चर सबको हम लोग शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज भूल जा रहे हैं तो लैंग्वेज को भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी लैंग्वेज से जो है बच्चे जो है लैंग्वेज अपना जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जितना अच्छा बेहतर समझ पाते हैं वो, लेकिन दूसरा लैंग्वेज जो कि वो लोग घर में व्यवहार नहीं करते हैं ऐसे लैंग्वेज से वो लोग नहीं समझ पाते हैं। सादरी जो है वो अपना ही लैंग्वेज है तो सादरी भी वो लोग अच्छी तरह समझ पाते हैं, सादरी में करने से और भी अच्छा होगा। कम्युनिटी स्कूल के नाम से यहाँ पर आया और आप लोग इसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे ये मीट खिला के इसको आप पवित्र कर दिया। 4 साल से बंद मधु चाय बागान जैसे और अन्य चाय बागान का बंद होना का श्रेय किसे जाता है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए समुदाय शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है और समुदाय को जनचेतना कर शिक्षा की तरफ बढ़ा रही है। दादा, शिक्षा में मातृभाषा का क्या योगदान है एखन? शिक्षा में हमरे कर जो मातृभाषा है से का कोनो भी योगदान रखे, काले कि हमरे कर भाषा कर एखन तक 8वीं सूची में जो हमरे एक तो अंतर्भुक्त करे का डिमांड कही रही, से डिमांड हमरे कर एखन तक सरकार आगे दिन का प्रयास रही दादा ये काम करे कर आगे दिन हमरे मन कर प्रयास है कि सरकार के जहाँ तक हमरे मन के ध्यान हमरे बटे लाने कर लेगी और जल्द से जल्द हमरे मन के कम से कम हमरे का सादरी भाषा के 8वीं सूची में अंतर्भुक्त करवाई कर लेकिन हमरे मन का जोरदार प्रयास है। मातृभाषा से ही उन्नति संभव है।
क्योंकि यही सारी उन्नति का मूल धर है। मातृभाषा के बिना हृदय की पीड़ा विवरण संभव नहीं। महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये लाइन मातृभाषा के प्रति से ली गई है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से नम्र निवेदन है, मधु चाय बागान में चलने वाली कम्युनिटी स्कूल सुचारू रूप से चल सके और स्कूल को सरकारी मदद मिले, इसके लिए कॉल करें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान ब्रिसा तिर्की को 9830081902 नंबर में। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।